नामुमकिन है, पूरे देश को पता है, आपको पता है और असम के मुख्यमंत्री को पता नहीं है। मैं उनकी कस्टडी में हूँ, एक के बाद एक FIR मुझ पर हो रही है, इतना हल्ला हो रहा है, डेली प्रोटेस्ट गुजरात में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, असम में हो रहा है, उनको पता नहीं है। उन्हीं में उनके पॉलिटिकल बोसिस की सूचना के तहत ये ऑफेंस दर्ज करवाया हो सकता है। और जब असम की जुडिशरी आपको इतना लताड़ रही है, उसके बाद भी आप सुधरने को तैयार नहीं, ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन एक बात है, जुडिशरी का ये कहना है कि आसाम इज बिकमिंग अ पुलिस स्टेट, ये सपना का बात है। दिग्विजय सिंह, असम के चीफ मिनिस्टर ने हाल में बयान दिया था कि हाईकोर्ट में भी आसाम पुलिस रहेगा। वो असम पुलिस के जो लेडी ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट केस किया था, तो ये अब जो बेल ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट में वो हाईकोर्ट में जाएगी, ऐसा तो वो बेल ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को पूछे कि जुडिशियल को क्यों कहना पड़ा कि ये फर्जी एफआईआर, नॉट मेंटेनेबल इन लॉ, फाइल्ड विद मॉडिफाइड इंटेंशंस। जुडिशरी का ये कहना है कि अक्यूज जिग्नेश मेवाली को जानबूझकर गैर कानूनी तौर पे लॉन्गर पीरियड के लिए, लंबे वक्त के लिए जेल में डाले रखने के लिए भी मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद भी शर्मिंदगी की से अपना सर झुकाकर माफी मांगने के बजाय अब अपील में जाने की बात कर रहे हो, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। ये आसाम का कल्चर नहीं हो सकता। थैंक यू। आपने कहा कि FIR के पहले फाइट कितने को करा लिया, उसको आप प्रतिनिधि साधारण। हाँ, ये 19 तारीख को मेरे खिलाफ FIR हुआ, कोकराझार से गुवाहाटी का एयरपोर्ट 4 घंटे की दूरी पर है। गुवाहाटी से अहमदाबाद की डायरेक्ट फ्लाइट मिले तब भी आप अहमदाबाद लैंड करोगे, वहां से 140 किलोमीटर की दूरी पर मेरा विधानसभा का शिखर होगा। तो जिस मोमेंट पर FIR हुआ, नेक्स्ट मोमेंट पर अपनी गाड़ी निकले गुजरात के लिए निकल गए, इज इट पॉसिबल? पर महिला वाला भी FIR है, 5 पुलिस की गाड़ियों का काफिला मेरे बगल में ही, उस पुलिस कर्मी को क्यों बिठाया? सी कोड भी नहीं हो तो व्हीकल, कोर्ट का भी ये कहना है, मतलब कि ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई कम्युनल क्लैश हो जाए, दंगा हो जाए, तो बतौर भारतीय नागरिक, बतौर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? यही कि शांति और अमन बनाए रखने का मैं अपील करूँ। तो जब गुजरात में 3 जगह पर दंगे हुए, इस प्रकार का कम्युनल टेंशन खड़ा हुआ और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? शांति और अमन का अपील करना, इतना करने को तैयार नहीं है। और फिर महात्मा का मंदिर का निर्माण करते हो, गांधी जी का चश्मा उठाकर उसको स्वच्छता के कैंपेन के साथ जोड़ते हो, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम को रिनोवेट करवाते हो, दिल्ली में गोड़ से और मुंह पर गांधी का नाम, ये ठीक नहीं है। थैंक यू। पूरा जो मामला हुआ है, आपने कहा है कि गुजरात से सड़क पे उतरेंगे आप लोग, किसी को क्या अदालत का भी रुख करेंगे, जिस तरह एक ट्वीट को लेके अरेस्ट किया गया एक MLA को? कांग्रेस पार्टी हैज बीन सॉलिडली विथ मी, PCC प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात, PCC प्रेसिडेंट ऑफ आसाम, एवरीबॉडी हैज प्रोवाइडेड मी लीगल असिस्टेंस। तो आगे भी कोई भी कानूनी मदद की जरूरत रहेगी तो पार्टी सॉलिडली विथ मी, उसका सवाल नहीं। सवाल ये है कि इसके बावजूद, इतने स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के बावजूद भी मुझे कोर्ट में जाना पड़े, एक्चुअली मैं आपको बोलूँ, मुझे इस महिला के ऊपर तरस आ रहा है जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उसके ऊपर कितना दबाव बनाया होगा। अदरवाइज कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन से उसी के आधार पर आई कैन फाइल अ केस ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन, रेड भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B, जेनरोसिटी दिखाकर ये नहीं करूँगा। ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारे गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके मैं FIR करवा सकता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोर्ट ऑर्डर दैट FIR इज नॉट मेंटेनेबल, हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कितना दबाव हो सकता है वो नहीं समझ सकता। आपको ये समझना है कि गुजरात के जो लोग आज व्यापारी है, जो रियल एस्टेट में है, जो पत्रकार है, जो सरकार को सवाल पूछते, उनके साथ इन 25-27 सालों में क्या हुआ होगा? धवल पटेल नाम के पत्रकार को राष्ट्रद्रोह के आरोप में अंदर डाल दिया, दो लीडिंग
इंग्लिश डेली के एडिटर्स के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस सरकार ने किया है, यही उनका चरित्र है। विधानसभा में मुद्दे उठाएंगे, सड़क में भी उठाएंगे, लेकिन फ्रेंकली मैं कह रहा हूं, इतना सब होने के बावजूद उनका जो अटेम्प्ट था वो हैरिस ने एक्चुअली मुझे हैरिस नहीं कर पाए, वो अपने माइंडसेट का भी मामला होता है। तो मेरे मन में कोई वेंडेटा नहीं है, कोई विंडिक्टिवनेस नहीं है, मैं यही चाहता हूं कि सरकार को शर्मिंदगी महसूस हो और बाकी के जो मैंने सारे मुद्दे उठाए उस मुद्दों पर कार्रवाई करो ना। गुजरात का जो यूथ है उसको आप नशे की लत लगाना चाहते हो, उसकी रगों में खून के बजाय ड्रग्स भरना चाहते हो, इससे ज्यादा खतरनाक तो क्या हो सकता है। ये 25-50 ग्राम का मामला नहीं, 25,000 टन हेरोइन ड्रग्स और अदानी साहब के कोर्ट में लगाना आ ही रहा है, 21,000 करोड़ का, 600 करोड़ का, 9,000 करोड़ का, 50 करोड़ का, 55,000, टोटल तक 1,75,000 करोड़ हो गया। आप उसको एक बार पूछ ले गए, यदि आपके हमारे घर से थोड़ा भी ड्रग्स पकड़ा जाए छोड़ेंगे आप सारे पत्रकार बावजूद उसके, आपके ऊपर तुरंत गिरफ्तारी होगी, कम से कम आपको इंट्रोगेट किया जा रहा है। इस गौतम अदानी साहब की कोई पूछताछ नहीं हो रही, कौन है वो, इज ही बियॉन्ड लॉ, इज ही बियॉन्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पीएमओ के साथ उनके गहरे ताल्लुकात है, क्योंकि मोदी साहब से बहुत गहरी दोस्ती है। ये भाजपा, पीएमओ और गौतम अदानी तीनों की मिली भगत के बिना इतना ड्रग्स गुजरात में आना, केस में आना नामुमकिन है। और ये मैं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलने के बाद ट्वीट करने वाला हूँ, और मैं 24 घंटा दिल्ली में हूँ, एफआईआर करना हो तो कर लीजिए। विक्रम जी हमें कंफर्म, आप लोग ने जो बोला 3 सिलेंडर्स दिया वो पूरे होने पर आप लोग 1 तारीख को 1 जून को गुजरात की सड़क पर उतरेंगे, गुजरात बंद करेंगे। मैं अपने केस वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, उमर के वक्त जो दलितों के ऊपर केस हुआ वो वापस लो, ये 22 एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ उसमें कोई जांच ही नहीं हो रही, एक एसआईटी का गठन हो जिसमें 3 अधिकारी का नाम सरकार दे, 3 अधिकारी नाम जिसकी इंटेग्रिटी इंप्रेकेबल हो, 3 अधिकारी का नाम विपक्ष के तौर पर हम दे, लेट देम बी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, जांच हो ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, गौतम अदानी साहब की इंक्वायरी हो, कुछ नहीं हो रहा है और ट्वीट पे फायर कर रहे हो, मजाक चल रहा है क्या। मैं तो केरला से तो ये आपने एलिगेशन उठाया है कि ये पूरा पीएमओ ऑफिस से हुआ है, क्या बीजेपी गुजरात से इसको कोई हेल्प मिला है या बीजेपी का? बिल्कुल बिल्कुल, पीएमओ आसाम पुलिस, आसाम की गवर्नमेंट, गुजरात पुलिस, गुजरात सरकार, उसका पूरा ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये कलेक्टिव कॉन्स्पिरेसी है। श्री जिग्नेश मेवानी को कस्टडी में रखने के लिए ही जानबूझकर आसाम पुलिस ने जो लीगली मेंटेनेबल नहीं है, जो फॉल्स है, ऐसा एफआईआर किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ आसाम की जुडिशरी दूध का दूध पानी का पानी, 2,500 किलोमीटर दूर बैठे किसी विधायक करके आसाम की जनता को क्या मिला, आसाम के सीएम को भी क्या रस, उनको यही इंटरेस्ट है पॉलिटिकल बॉस ने जो कहा पीएमओ में जो कोर्स के पद बैठे हैं ना उन्होंने ये करवा, मुंद्रा के पोर्ट पे 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स मिल रहा है, नो इन्वेस्टिगेशन। गौतम अदानी साहब की एक बार जब इंक्वायरी की कौन है, बियॉन्ड लॉ है, कानून और संविधान से ऊपर है, आपके और मेरे घर में यदि ड्रग्स पकड़ा जाए क्या होगा, दिल पर हाथ रखकर के ये पत्रकार साहब आपकी गिरफ्तारी होगी, कम से कम जांच तो होगी, गौतम अदानी की कोई पूछताछ है, एक नहीं 22 एग्जाम का पेपर लीक हुआ, कोई ठोस कार्रवाई, एक महिला दलित समाज की भाजपा यही डिपेंड है कि जो ड्रग्स पकड़ा जा रहा है ना, मैं गुजरात की गरीब बर्बाद नहीं होने देंगे, मैं इंडिविजुअली और कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे, ऊना के आंदोलन के वक्त मेरे केस वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊना के आंदोलन के वक्त जो मुकदमा मेरे विधानसभा क्षेत्र बड़का में माइनॉरिटी समुदाय के साथ प्रोटेस्ट करने को जो जेल में डाला वो सारे केस आप, ये मेरी डिमांड है, डिमांड है कि 22 एग्जाम का पेपर लीक हुआ उसमें ऐसा की खतरा हो, उसकी जाँच यदि ये नहीं होगा 1 जून के साथ मोदी साहब और गुजरात की भाजपा सरकार अपना डंडा रेडी करे, हम अपना सीधा रेडी करके बैठे। Me out categorically states that the FIR is not mentioned. It is filed.
It cannot stand legally. It is nothing but the abuse of power. It is nothing but the abuse of power.